तो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और आज गाइस हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं लोअर प्राइस सेगमेंट में एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन। जी गाइस, आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आईटेल की तरफ से आने वाला आईटेल P40 प्लस स्मार्टफोन। तो गाइस आज हम लोग इस फोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग उसी के साथ एक बहुत ही धमाकेदार फ्री फायर टेस्ट करने वाले हैं इस फोन में। तो गाइस बॉक्स को अनबॉक्स करते ही सबसे पहले आप लोग को जो स्मार्टफोन है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को बॉक्स में बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर एक का कोई VIP कार्ड देखने को मिल जाता है, जो गाइस मेरे तो मतलब यूजलेस मतलब मान लो वैसा है वो, और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। और यहाँ पर गाइस आप लोग को एक किस कवर भी देखने को मिलता है, लिटरली गाइस काफी अच्छी बात है। उसके साथ यहाँ पर गाइस आप लोग को 18 वॉट का एक फास्ट चार्जर बॉक्स के साथ ही देखने को मिल जाता है, और सिम इजेक्टर टूल को तो गाइस भूल ही नहीं सकते। और यहाँ पर आप लोग को टाइप सी केबल देखने को मिलता है। लिटरली इस प्राइस सेगमेंट में इतना बढ़िया मतलब बॉक्स कंटेंट काफी अच्छी बात है यार, इस प्राइस सेगमेंट में बॉक्स कंटेंट तो काफी अच्छा दिया गया है। और गाइस जो फोन का लुक है वो भी गाइस काफी तगड़ा निकल कर आ जाता है। अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस फोन में फिर को इंस्टॉल करके गेम को ओपन करते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैंने गेम को ओपन कर लिया है इस फोन में। और गाइस हमेशा की तरह मैच स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अपना सेटिंग और सेंसिटिविटी और सारा चीज़ें दिखा देता हूँ कि मैं किस ग्राफिक्स पे खेलने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर सेंसिटिविटी की बात करें तो सारा का सारा सेंसिटिविटी 100 पर खेलने वाला हूँ। अगर बात करें ग्राफिक्स के बारे में तो गाइस ग्राफिक्स मैक्स रहेगा, हाई रेजोल्यूशन भी रहेगा, शेडो भी रहेगा, फिल्टर भी सेम रहेगा और हाई FPS भी हाई रहेगा। ओवरऑल गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारा का सारा चीज़ें हाई पर खेलने वाला हूँ और पूरा एक्सट्रीम टेस्ट करूँगा, पूरा रियल और जेन्युइन रिव्यू दूंगा। तो गाइस वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट से देखना। अभी गाइस हम लोग फटाफट से एक क्लैश स्क्वाड मैच लगा लेते हैं और फटाफट से चलते हैं मैच के फाइट वाले सीन पे। सो गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मैच के फाइट वाले सीन पे। और गाइस अभी आप लोग जो गेम प्ले देख रहे हैं वो गाइस खेला गया है आईटेल की तरफ से आने वाला आईटेल P40 प्लस स्मार्टफोन में। और लिटरली गाइस मैं इस फोन को लेकर इतना एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि अगर ये फोन जिस प्राइस सेगमेंट में आता है उस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इस फोन का प्रोसेसर, बैटरी, उसी के साथ जो डिस्प्ले है और भी जो भी स्पेसिफिकेशन है जैसे कि फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, उसके साथ जो चार्जर है वो भी गाइस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। ओवरऑल और एंड्रॉयड 13 भी देखने को मिल जाता है इस फोन में, इसलिए गाइस मैं इस फोन को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और जिस प्राइस सेगमेंट में आता है वो प्राइस तो काफ़ी अच्छी बात है यार। अभी मैं सारा चीज़ आप लोग को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या ये फोन गेमिंग करते टाइम लैग करता है, नहीं करता है, हीटिंग इशू है हीटिंग इशू है कि नहीं है इस फोन में, वो सारा चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और बैटरी ड्रेन कितना होता है, खास करके इस बैटरी पे हम लोग फोकस करेंगे, बैटरी कितना ड्रेन होता है एक घंटे में, वो सारा चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा ही बस रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को प्लीज़ ऑल प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना यार। एक छोटा सा लाइक बस बटन क्लिक करना होता है गाइस, उतने के लिए ही आप लोग मतलब नहीं करते यार, मेरे को पता है बहुत मुश्किल होता है आप लोगों से करवाना, बट गाइस मैं मेहनत करता रहूँगा, आप लोग करो या ना करो, बट गाइस मेरे को यहाँ तक उम्मीद है कि गाइस आप लोग जरूर करोगे, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना यार। अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट के जो भी स्पेसिफिकेशन है वो सारा चीज़ें आप लोग साथ डिस्कस कर देते हैं। तो गाइज अभी हम लोग सबसे पहले इस फोन के प्राइस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सर जो इस फोन का प्राइस है वही गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो गाइज ये फोन आप लोग को अमेजोन पे मात्र और मात्र 7000 का देखने को मिल जाता है। 7000 में इस फोन में आप लोग को 4GB रैम और 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। लिटरली गाइज रैम तो मतलब ठीक ठाक देखने को मिलता है, बट गाइज स्टोरेज देख सकते हो आप लोग 128GB, तो वो मतलब ओवरऑल बोले तो रैम और स्टोरेज काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है। उसी के साथ रैम को आप लोग एक्सपेंड भी कर सकते हो 8GB तक, वो भी इस फोन में मतलब फीचर एक देखने को मिल जाता है। उसी के साथ सबसे मेन मतलब पार्ट के बारे में बात करें जैसे कि प्रोसेसर, तो गाइस इस फोन में आप लोग का यूनिसॉक का टाइगर का प्रोसेसर देखने को मिलता है यार, लिटरली T606 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि गाइस मतलब मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर माना गया है और काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। और अगर बात करें कि इस फोन में आप लोग मतलब हम लोग किस सेटिंग पे खेल पाएंगे, किस ग्राफिक्स पे एकदम इजीली एकदम विदाउट लैगिंग और विदाउट फ्रेम रेट्स खेल पाएंगे, तो गाइस मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग मैक्स सेटिंग पे विदाउट लैगिंग विदाउट फ्रेम रेट्स खेल पाओगे, बट गाइस ये जरूर बोल सकता हूँ कि गाइस आप लोग अल्ट्रा और स्मूथ ये दोनों सेटिंग पे विदाउट लैगिंग और विदाउट फ्रेम रेट्स इजीली खेल पाओगे। और स्टार्टिंग पे गाइस आप लोग मैक्स सेटिंग पे मतलब मैक्स सेटिंग पे भी खेलोगे तो गाइस आप लोगों को उतना कोई लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, बट गाइस अल्ट्रा पे खेलोगे तो गाइस काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मूथ ये फोन चलता है। अभी गाइस अगर हम लोग बात करें इस फोन के बैटरी के बारे में, क्योंकि यार जो इसमें का बैटरी है वो लिटरली काफ़ी तगड़ा दिया गया है, 7000 mAh का दिया गया है यार, लिटरली आप लोग मतलब सोच नहीं सकते हो यार 7000 mAh का बैटरी एक फ़ोन में दिया गया है। और ये अगर बैटरी ड्रेन की बात करें तो गाइस इस फोन में एक घंटा लगातार गेमिंग करोगे तो मात्र और मात्र 9 से 10% बैटरी ड्रेन होता है। ओवरऑल बोले तो गाइस इस फोन में 10 से 12 घंटा लगातार आप लोग गेमिंग कर पाओगे, लिटरली गाइस ये एक शॉकिंग चीज़ है, मतलब 7000 mAh का काफ़ी बड़ा बैटरी विथ गाइस 18 वाट फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है, तो बैटरी चार्ज भी हो जाता है मतलब
दो अढ़ाई घंटे में बैटरी चार्ज भी हो जाता है। उतना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है कि मतलब 5-6 घंटे लगेगा बैटरी चार्ज होने में। 18 वाट का फास्ट चार्ज दिया गया है मतलब इसी कारण बैटरी जल्दी चार्ज भी हो जाता है। अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में तो गाइस इस फोन में आप लोग को डिस्प्ले 6.8 इंच का देखने को मिलता है। HD+ IPS पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है विथ 19 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ। और लिटरली इस प्राइस सेगमेंट में आप लोग को 7000 mAh का बैटरी, यूनिस्टॉक T606 प्रोसेसर, उसी के साथ 4GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज, उसी के साथ यहाँ पर आप लोग को 19 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिलता है, जिससे कि जो भी सेंसिटिविटी और जो भी स्मूथनेस है वो सारा चीज़ काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि कैमरा भी इसमें मतलब एकदम बेकार नहीं दिया गया है। बैक में काफ़ी तगड़ा बढ़िया और मतलब काफ़ी अच्छा क्वालिटी का कैमरा दिया गया है। बैक में आप लोग को 13 MP का डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है और फ्रंट में आप लोग को 8 MP का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि इस फोन में आप लोग को साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस ओवरऑल बोले तो गाइस ये एक मतलब लोअर प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट फोन निकल कर आ जाता है। अगर आप लोग का बजट मात्र 7000 है तो गाइस इस फोन का आप लोग मतलब एकदम जरूर कंसीडर कर सकते हो। काफ़ी तगड़ा गेमिंग करा कर भी दे देता है ये फोन और काफ़ी परफॉर्मेंस भी मतलब तगड़ा निकल कर दे देता है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।